हेलो फ्रेंड्स, ये बेला का प्लांट है। इसे हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, जैस्मीन, मोगरा, बहुत से ऐसे इसके नाम होते हैं। ये हमारे गार्डन को बहुत हरा भरा कर देता है। इसके फूल खूबसूरत मोती जैसे वाइट कलर के होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, इतनी अच्छी खुशबू होती है और इसका गजरा भी बनता है। खुशबू की वजह से इसकी इतनी ज़्यादा ही वैल्यू है। फूलों से इत्र बनता है, रूह फ्रेशनर बनता है, अगरबत्ती भी बनती है। तो क्यों ना आप इस प्लांट को अपने घर ही ले आओ। ये बहुत इजी केयर प्लांट है। ये विंटर में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है और जैसे ही बसंत ऋतु आते हैं फिर से ये हरे भरे हो जाते हैं। यह एक मेडिसिनल प्लांट है। चलिए इसकी केयर की बात कर लेते हैं। तो आपसे इसे 6 से 7 इंच के पॉट में ही लगाइए और इसे 2 से 3 घंटे का ही धूप दीजिए। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की मैंने इसे बहुत अच्छे से प्रूमिंग की थी और जब इसके फ्लावर थोड़े सूख जाते तो वहाँ से भी प्रूमिंग कर दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग फिर आएगी। क्योंकि मैं इसकी बार बार हमेशा जब इसकी प्लांट फूल सूख जाते हैं, फ्लावरिंग बंद हो जाती है, तो मैं इसकी प्रूमिंग ज़रूर कर देती हूँ। और इसे सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट इसको फर्टिलाइज़र में देती हूँ, गोबर की खाद। जो चाय पत्ती होती है, जो हमारे किचन वेस्ट होते हैं, वो भी मैं इसको देती हूँ और इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करती हूँ। और ये देख सकते हैं जब भी मैं इसे पिंचिंग करती हूँ, नए नए लिप्स आते हैं और थोड़ा घने भरे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। इसकी फ्लावरिंग की महक इतनी दूर दूर तक होती है कि पूछो ना। इनकी फ्लावर रोज़ में तोड़कर इसी गजरा बनाती हूँ और भगवान को चढ़ाने के लिए फूल भी इन्हीं से बनाती हूँ। तो आप भी इस प्लांट को अपने घर ज़रूर लेकर आइए। इसकी सुगंध इतनी ज़्यादा होती है कि घर थोड़ा आंगन या घर या कहीं पर भी लगाइए, वहाँ पर बहुत तेज़ इसकी महक होती है। तो अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर लाइक।